अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपके साथ लबे शीरन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट होता है ये, क्विक सा है, एकदम फटाफट बन जाता है और सबको बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि इसके अंदर सेवइयाँ भी होती हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लबे शीरन बनाने के लिए हमें सबसे पहले जेली को सेट होने के लिए रख देंगे। तो जेली लेते हुए आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उसके ऊपर इस तरह से हलाल लिखा होना चाहिए, तो वही वाली जेली आप यूज़ करिएगा। तो इस तरह के पैकेट्स आते हैं, तो मैं यहाँ पर चेरी फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर की जेली यूज़ कर रही हूँ। रेड और ऑरेंज कलर की है ये। तो उसके लिए मैंने 1 कप वाटर को बॉईल कर लिया और उसको दो अलग अलग कंटेनर्स में हाफ हाफ डिवाइड कर लिया, आधा आधा कप, क्योंकि मैं पूरा फुल पैकेट नहीं बना रही हूँ, हाफ पैकेट बना रही हूँ दोनों के। तो इसलिए उसमें हाफ हाफ जो उनका कंटेंट था वो मैंने दोनों अलग अलग कंटेनर्स में डालकर और उसे अच्छे से डिजॉल्व कर लिया इस तरह से। और वैसे जेली के पैकेट्स के ऊपर इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे रहते हैं, आप उसको देख के फॉलो कर सकते हैं। और अब ये देखिए हमारी दोनों जेलीज जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब हम इनको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो मैंने उन्हें रख दिया फ्रिज में और अब हम यहाँ पर अपनी लबे शीरन की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर मिल्क लिया है, 500 ml है ये, और उसके अंदर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून शुगर के ऐड कर दिए हैं, पाउडर्ड शुगर के। और ये अलग मैं एक कप के अंदर 2 टेबल स्पून पानी के साथ और दो ही टी स्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लिया, मतलब उसको घोल के साइड में रख लिया है। अभी उसको यूज़ नहीं करना है, बस मैंने उसको अलग से घोल के साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो मिल्क है उसके अंदर बॉयल आ गया है, पूरा दूध अच्छे से गर्म हो गया है। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर, ये देखिए वर्मिसली का पैकेट है मेरे पास, इस तरह से दिखती है। कुछ लोग इसे जवें भी कहते हैं, कुछ लोग इसे नूडल्स भी कहते हैं। तो ये इस तरह की होनी चाहिए, ये सिवैयाँ होती हैं थोड़ी सी मोटी। तो ये मैंने आधा कप इसके अंदर डाल दिए हैं, आधा लीटर मिल्क के अंदर ये हाफ कप जाएंगी। तो और साथ ही में मैंने इसके अंदर वनीला एक्स्ट्रैक्ट का 1 टीस्पून डाल दिया है। आप अगर वनीला एक्स्ट्रैक्ट नहीं डालना चाह रहे हैं तो उसकी जगह आप हरी इलायची का पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं, इसमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए हमने जो अलग से कॉर्नफ्लोर को घोल के रखा था वो हम इसके अंदर अब शामिल करेंगे जब हमारी सेवइयाँ जो हैं वो पक जाएंगी। पहले दूध को मैंने बॉयल किया, शुगर डाली, फिर उसके अंदर सेवइयों को मैंने ऐड करके पका लिया। जब वो बिल्कुल कुक हो गई, 5 से 7 मिनट में कुक हो जाती हैं, आप एक दो इसमें से निकाल कर उनको उंगली से दबा के देखिएगा तो जब वो अच्छे से कुक हो गई होंगी तो अंदाज़ा हो जाता है। फिर आप उसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, पहले कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करेंगे और कॉर्नफ्लोर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और देखिए हमारा जो पूरा मिक्सचर है कितना अच्छे से थिक हो गया है। अगर मैं इसे स्पून के बैक के ऊपर इस तरह से टेस्ट कर रही हूँ तो दोनों साइड से वो मिल नहीं रही है और सेपरेट रह रहा है, इसका मतलब ये अच्छा, ये थिक हो गया है अच्छा जितना हमें चाहिए था। तो ये अभी और ठंडा होने के बाद और थिक होगा, तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये देखिए अभी रूम टेम्परेचर पर आ गया है और ये काफ़ी थिक भी हो गया है। अब इसके अंदर एक टिन मैं ये फ्रूट कॉकटेल का ऐड कर रही हूँ, तो इसका मैंने शुगर सिरप अलग कर दिया था और इसके अंदर जितने फ्रूट्स थे वो मैंने पूरा टिन इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, अगर आप ये नहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसकी जगह फ्रेश फ्रूट्स इसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स करके डाल सकते हैं। और हाफ कप अब हम इसके अंदर फाइनली क्रीम का ऐड कर देंगे, तो हाफ कप क्रीम इसके अंदर चली गई। अब ये देखिए हमारी जेली भी बहुत अच्छे से सेट हो गई है, तो इसके छोटे छोटे चंक्स में हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो मैं इसको फटाफट से कट कर लेती हूँ। ये चेरी फ्लेवर की जेली है रेड वाली, और जो ऑरेंज कलर की आपको नजर आ रही है वो मैंगो फ्लेवर की है। तो ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है, आप इसमें से कोई भी इसके अंदर डाल सकते हैं जेली। और अगर आप जेली नहीं डालना चाह रहे तो मार्केट में टूटी फ्रूटी मिलती है, आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कंप्लीटली इसे स्किप भी कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं इतना पड़ेगा। बट ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, बच्चों को चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो अगर इस तरह से डालेंगे तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर दीजिए। तो अगर आपको हलाल वाली नहीं मिल पा रही हैं तो अब ये देखिए हमने सब चीज़ों को ऐड कर लिया और हमारा लबे शीरन एकदम से रेडी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, मतलब कस्टर्ड वस्टर्ड तो आप बनाना भूल ही जाएंगे इसके आगे, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस तरह से डिज़र्ट ग्लासेस के अंदर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। पहले नीचे थोड़ी सी जेली डाली मैंने, फिर हमारा जो पूरा मिक्सचर है ये डाला और उसके ऊपर इस तरह से लेयर्स लगाकर जेली की और लबे शीरन की आप इस तरह से इन्हें ग्लासेस के अंदर भी सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त बना था ये देखिए, और रमज़ान में इफ्तार पार्टीज़ वगैरह में तो ये ज़रूर आप ट्राई करिएगा। तो चलिए हम अपने लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हम जो इस बार के शेफ़ ऑफ़ द वीक हैं उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। सिस्टर आयशा नसीबा, सिस्टर मिसेस मोमिना, सिस्टर नुज़द शेख, सिस्टर नुज़द बेगम, सिस्टर सादिया सादत। तो इन सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी अपनी रेसिपीज़ की पिक्स हमारे साथ शेयर करी हैं, तो वो आप ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन चैनल के मिलते रहें। तो अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।